लोगों को टैटू बनवाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी पे टैटू बनवा रहे हो तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे टैटू होगा तो आप इंडिया में बहुत सारी हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब्स और बहुत सारी सिविल सर्विसेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी है वो सिविल सर्विसेज और जॉब्स, मैं आपको बताता हूं। वो है IAS, IPS, IFS, IRS, और इसके अलावा अगर आप सेना को ज्वाइन करना चाहते हो तो भी उसमें अड़चन आएगी, जैसे कि आप लोग भारतीय रक्षा सेना में अप्लाई नहीं कर सकते। नौसेना में, सेना में, वायु सेना में, कहीं भी अगर आपके बॉडी पर टैटू है तो आप लोग उन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। केन विलमन ऐसे ही एक दिन बीच में घूम रहा था, अचानक से उसकी नजर एक पीले बदबूदार पत्थर पे पड़ती है। वो उस पीले बदबूदार पत्थर को घर लेके आता है और उसकी जांच करता है। जांचने पर पता लगता है कि ये पीला बदबूदार पत्थर और कुछ नहीं बल्कि व्हेल की एक उल्टी है। और उसके बाद केन विलमन रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि व्हेल की इस बदबूदार उल्टी के लिए भला इतना पैसा कौन देगा, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्हेल की इस उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है, और इसी एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां अपना परफ्यूम बनाती हैं। लेकिन वेट, ये परफ्यूम में सुगंधि के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एम्बर ग्रीस में एक ऑर्डरलेस एल्कोहल होता है जिसका नाम है एम्बरीन, और ये एम्बरीन परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां इस व्हेल की उल्टी के लिए इतना पैसा क्यों देती है। गाइस, हर किसी इंसान की अपनी एक फेवरेट डिश होती है। किसी को मीठा पसंद होता है तो किसी को तीखा, लेकिन 75 साल की एक बुजुर्ग महिला रोजाना एक पाव से आधा किलो तक बालू रेत खाना पसंद करती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कुसुमावती नाम की ये महिला 18 साल की उम्र से ही एक वैद्य के कहने पर कंडे की राख और बालू रेत खा रही है। और हैरानी की बात यह है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पे पहुंची इस बुजुर्ग महिला को आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है। वहीं डॉक्टर इसे मेंटल डिसऑर्डर और आयरन डिफिशियंसी और इसके अलावा पाइका जैसी बीमारी बता रहे हैं। गाइस, आपका इस अजीबो गरीब बीमारी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने क्रिस मूवी का ए सीन तो जरूर देखा होगा, जहां हमारे क्रिस भैया इस प्लेन को आगे से पकड़ कर लैंड करा देते हैं। कुछ ऐसा ही सीन रियल में भी हुआ था। ये बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड कराना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर खोला तो आगे का टायर ढंग से खुला ही नहीं। और अगर पायलट प्लेन को उसी कंडीशन में लैंड कराता तो बहुत संभावनाएं थी कि प्लेन में आग लग जाती। इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री, जो पिकअप लेके प्लेन के आगे जाता है और प्लेन के आगे के पहियों को अपने पिकअप पर लैंड करा देता है, और फिर धीरे धीरे करके प्लेन की सेफ लैंडिंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वेट, प्लॉट ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अभी तक आपने इस वीडियो को जहाँ भी देखा होगा लोग इसे रियल बताते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल निशान नाम की कंपनी ने अपने पिकअप का प्रचार करने के लिए इस तरकीब को निकाला।